Hi guys, welcome to my channel Cricket Search. Today match Royal Challengers Bangalore versus UP Warriors Women के बीच का मुकाबला WPL 23 का मुकाबला। दोस्तों वुमेन IPL 23 का मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आज बात करने वाले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन के बारे में। दोस्त स्मृति मंदना चार पे आउट हुए गायकवाड़ गेंद पे, अंजलि सवर्ण ने कैच लपका और स्मृति मंदना आज कैप्टन, चार रन बना के अपना विकेट गवाया छः गेंदों में। 66.60 स्टाइल रेट। सोफिया देवी दोस्तों 36 की पारी खेली 24 गेंदों में, आज 5 छक्के 1 छक्का लगाया था, पहला छक्का 150 की उनकी स्टाइल रेट। इकोल स्टोन की गेंद बोल्ड हुई, सोफिया देवी ने आज 36 पे अपना विकेट गवाया, 24 गेंदों में 36 रन बनाए थे, 5 छक्के लगाए थे उन्होंने इस मैच में, 150 की थी स्टाइल रेट। एवरेज पे नो डाउट है, 50 की पारी खेली 35 गेंदों में, यहाँ पे 6 छोके एक चक्का लगा चुके हैं इस मैच में, 142.85 रन की स्टाइल रेट। दोस्तों एलिस पेरी 50 की बारी खेली 35 गेंदों में। दोस्तों WPL का मुकाबला शानदार तरीके से खेला जा रहा है, यहाँ पे स्मृति मंदना कैप्टन, यहाँ पे 4 रन की पारी खेली 6 गेंदों में, 66 की रन की स्ट्राइक। यहाँ पे सोफिया देवी की बात की थी हमने, 36 रन की पारी खेली यहाँ पे 24 गेंदों में, वो 5 छोके एक चक्का लगाया था इस मैच पे, 150 की थी उनकी करन रन। यहाँ पे शानदार बल्लेबाज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा, यहाँ बात करेंगे 50 की पारी खेल चुके हैं पहली नो डाउट है, अभी 35 गेंदों में 50 रन बना चुके हैं, अभी 6 छोके एक चक्का आ चुका है उनके बल्ले से, 142.85 रही है उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों पेरी 50 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रीज मौजूद है पेरी द्वारा शानदार। खेली यहाँ पे 35 गेंदों में 6 छोके एक चक्का लगा चुके हैं इस मैच में, 142.85 रही है उनकी स्ट्राइक रेट। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन वर्सेस UP वॉरियर्स वुमेन के बीच का मुकाबला WPL 2023 की हाईलाइट। दोस्तों वुमेन IPL 2023 का मुकाबला, तो यहाँ पे मंदना 4 रन पे अपना विकेट गवाया, यहाँ पे 36 पे गवाया था सोफिया देवी ने, वो 50 पे विकेट गवाया था एलिस पेरी, बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी नॉट आउट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से। तो दोस्तों एलिस पेरी 50 पे खेल रहे हैं अभी, श्रियंका पटेल के साथ 5 रन की पारी खेल चुके हैं श्रियंका पटेल, यहाँ बात करेंगे कनिका आहूजा 8 रन की पारी खेली 10 गेंदों में, ओया शर्मा की गेंद पे अंजलि सरवी ने कैच लपका, कनिका आहूजा को 8 रन पे आउट किया, 10 गेंदों में 8 रन बनाए। मैं बात करेंगे हैदर नाइट की, तो यहाँ पे अंजलि सरवी खेली रन आउट किया था 2 रन पर, यहाँ पे वो श्रियंका पाटिल 5 रन की पारी खेल के अपना विकेट बचा रखा है अभी पेरी के साथ में, 3 चौके आए हैं उन बल्ले से, 3 गेंदों 5 रन एक चुका है, 166.66 रही उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों एक्स्ट्रा रन कोई दिया नहीं अभी तक UP Warriors ने, 105 पर 4 विकेट गिरे हैं अभी तक, 32 और वस्मा 77 से लेकर रन रेट 10 बाकी, 200 प्लस स्कोर जा सकता है आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के RCB वर्सेज UP Warriors के बीच का मुकाबला। दोस्तों आज का है पेरी का 50 रन का शानदार परफॉर्म करने का औजा, दोस्तों 8 रन पर अपना विकेट गवाया, और यहाँ नाइट का 2 रन पे 2 गेंदों 2 रन बनाए थे, कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए यहाँ पे। शहनशाह पाटिल 5 रन की पारी खेली 3 गेंदों में, एक छोका आया है उनके पहले से, 167 रन की स्ट्राइक रेट। दोस्तों इस तरह से आज का मैच RCB वर्सेज UP Warriors के बीच का मुकाबला WPL के हाईलाइट। दोस्तों वुमेन WPL के मैच होने हैं 26 तक, यहाँ पे एक बार मुंबई का बहुत शानदार पिछले मैच परफॉर्म, RCB को भी 2 झटके लगे हैं यहाँ पे, ये मैच जीते अंक मिल सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे टोटल 105 रन बने हैं अभी तक इस मैच के, 4 विकेट गिरे हैं अभी RCB के, 14 ओवर हुए समाप्त, 7.87 चली है उनकी रन रेट। यहाँ पे पेरी द्वारा शानदार परफॉर्म, यहाँ 50 रनों की पारी खेली, यहाँ 35 गेंदों 50 रन बनाए, यहाँ पे 6 चौके आए हैं, ऑफसाइड लेग साइड में अच्छी तरह से बल्लेबाजी की है आज पेरी द्वारा, वो एक छक्का लगाया था 110 मीटर का बड़ा लंबा छक्का आया है पेरी के बल्ले से, 142.85 रन की रही है उनकी करंट रन रेट। यहाँ पे कनिका अंजलि का बहुत अच्छा परफॉर्म, फील्डिंग शानदार फील्डिंग, कैच लुप का आसान कैच नहीं था लेकिन समय की गेंद पे शानदार परफॉर्म। दोस्तों 14 ओवर समाप्त हो गए, यहाँ पे 105 पे 4 विकेट। बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग का परफॉर्म किस तरह से रहा यहाँ पे इस मैच में, दोस्तों बैटिंग बाकी है भी, इन बर्न की रिचा घोष आएंगे बल्लेबाजी करने, सहाना पवार कोमल तंजात रेणुका सिंह यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे RCB तरफ से। दोस्तों बात करें विकेट किस तरह थे, 13 ओवर तक विकेट पीछे से तीसरा विकेट गया था करेगा उस जगह। दोस्तों मंदना 29 पे आउट हुए, एक विकेट पहला विकेट 29 रन पे,
73 दूसरा विकेट सोफिया डेविन का, 9 दूसरी गेंद पे। 85 तीसरा विकेट कनिका आहूजा का, 11 तीसरी गेंद पे। और यहाँ पे 98 चौथा विकेट 13 की दूसरी गेंद पे। तो उस बॉलिंग में ग्रेस हैरिस 4 और 25 रन 7/5 इकोनॉमी, अंजलि 7/2 और 20 रन 10 की इकोनॉमी यहाँ पे में। तो हम बात करें गायकवाड़ का, राजेश गायकवाड़ का दोस्तों 3 ओवर में 21 रन 1 विकेट 7 की इकोनॉमी। सोफिया रेस्टोरेंट दोस्तों 10 विकेट 10 रन 2 विकेट 2 ओवर में। यहाँ दीप्ति शर्मा 2 राजस्थान 1 विकेट 8/5 इकोनॉमी। देविका वैद्य दोस्तों 1 ओवर 12 रन। दोस्तों प्योरेस्ट की बात करें वुमेन की, अलिसा हेली कैप्टन है विकेट पर। श्वेता शेरावत, कनिन नवेकरे, तहिला मैक्रोथ, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, देविका वैद्य, सिमरन शेख, सोफिया, अंजलि सोनी, अर्षु गायकवाड़ बल्लेबाजी करने उतरेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें। अभी हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।